or v1 by v2 minus 4 by minus 1, that is equals to 4. So 1 by 5 is not equals to 4. That means our option D हर कंडीशन को सेटिस्फाई करता हुआ करेक्ट है और भी करेक्ट नहीं है. समझ आया कैसे? पहले हमने सॉल्यूशन चेक कर लिया कि x इक्वल्स टू 2 y इक्वल्स टू -3 किस किस का सॉल्यूशन है, फिर हमने चेक कर लिया कि यूनिक सॉल्यूशन किस किस का है. ठीक है, थैंक यू. हेलो फ्रेंड्स, हमें बोला है